नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी टीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एक युवक ने ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। जिस दौर में जमीन जायदाद के लिए अपने भी धोखा दे जाते हैं, उस दौर में बैतूल के जगदीश भारती ने लाखों रुपए की कीमती लगभग 10 एकड़ जमीन उसके असली मालिक को लुटाई, और वो भी 35 साल के बाद। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि जगदीश को उसके होने वाले ससुर ने ये जमीन दी थी, लेकिन किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी। इस दौरान जमीन जगदीश के पास ही थी। करीब 35 साल बाद जब उससे जमीन वापस मांगी गई तो बगैर किसी विवाद के जगदीश ने 10 एकड़ जमीन उसके असली मालिक को दान कर दी। आपको बता दें कि बैतूल के रजिस्ट्री कार्यालय में इसलिए खासी हलचल थी क्योंकि लोग ईमानदारी की एक मिसाल देखने आए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई किसी को 10 एकड़ जमीन वो भी 35 साल बाद बिना किसी विवाद या शर्त के कैसे वापस लौटा सकता है। यह अनूठी मिसाल पेश की है गजपुर गांव के निवासी जगदीश भारती ने, जिन्हें यह जमीन 35 साल पहले बतौर गिफ्ट मिली थी। जिस परिवार में उनका रिश्ता तय हुआ था उस परिवार ने अपने होने वाले दामाद को यह जमीन दी थी, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो सकी। लेकिन जगदीश ने ना तो जमीन को बेचा ना ही उसका कोई इस्तेमाल किया था। जितेंद्र भारती, जगदीश जी बताइए, आज रजिस्ट्री कार्यालय में आपने जो 10 एकड़ जमीन दान की है, क्यों दान की है और क्या इतिहास रहा है इसका? ये मैं 75 के आसपास में सगाई हुई थी, इसमें मुझे दान दी थी, और अभी चूंकि इन्हें वापस करना था तो सब समाज में बैठ के, क्योंकि रिश्ता इन्हें किसी वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि जगह इनकी थी, 30-35 साल से मेरे पास में थी, मैंने उसका कुछ यूज नहीं करा और उन्हें सही सलामत आज मैं वापस करा। कितनी कीमत है इस जमीन की? लगभग 25 लाख होगी। इसका इसके लिए कभी कोई विवाद जैसे ना सामने में तो ये क्यों विचार आया आपको कि आज ये वापस कर देनी चाहिए इन्हें इनकी जमीन? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि किसी की भी हो, यदि आपने मुझे सामान दिया है उसे सही सलामत रखना है, और जब वापस कोई मांगता है उसको वापस कर देना। तो चीज़ उनकी थी। आसपास के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया इस बात का? जैसे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप क्यों वापस दे रहे हैं, सर किसी ने बोला होगा कभी? देखो, पक्ष पक्ष विपक्ष सब लोग चाहते हैं, और इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व थे, लेकिन चीज उनकी थी और उनको देना था। और आज इसको देने से मुझे लगता है कि मेरा आज दूसरा जन्म हुआ। आज इसको शायद मैं इनसे आज डिमांड कर देता और इनसे मैं पैसे की मांग करता, ये मुझे पैसे दे भी देते, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि मेरे जो इनके परदादा उन्होंने जिससे मेरा संबंध किया था, सबसे पहले मैं उनकी नज़रों में गिरता, सब जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी नज़रों में गिरता सबसे पहले, फिर इसके बाद में इनकी ज़मीन इनके पास वापस जा रही है। एक मेरी माँ उतनी शिक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि किसी की भी ज़मीन आज मेरी माँ की वजह से ज़मीन इनके पास जा रही है, सबसे पहले उनकी नज़रों में गिरता, मैं अपने परिवार की नज़रों में गिरता, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? और ऐसा पैसा यदि मैंने ले लिया, इनकी तो मजबूरी रहेगी वो मुझे देंगे उन चूँकि उनकी ज़मीन है, लेकिन ऐसा पैसा मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा ले भी लिया तो सिर्फ जो पुराने नोट बंद हुए हैं सिर्फ वो रहेंगे, जिसका मेरा परिवार का एक एक सदस्य, मैं आपको बता दूँ, मेरे को किसी ने भी परिवार के सदस्य ने वो इसको लेने की इजाज़त नहीं दी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने जगदीश को जमीन दी थी उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि 35 साल बाद उन्हें उनकी बेशकीमती जमीन वापस मिलेगी, लेकिन जगदीश की ईमानदारी ने सबको हैरत में डाल दिया। सेवक राम जी, ये बताइए कि जिसका महसूस हुआ? वो हमारा पहले इनके साथ में रिश्ता हुआ था, और किसी कारणवश वो रिश्ता टूट जाने के बाद भी हमको मतलब ये इन पर भरोसा था कि ये हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन ये हमारी ज़मीन वापस कर देंगे। आज कैसा लग रहा है आपको ये ज़मीन वापस लेने की? आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग ईमानदार हैं कि आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वापस कर रहे हैं सुरक्षित।
समाज के लिए भी संदेश है जी। आपने कभी सोचा था कि ये वापस मिल पाएंगे? अभी नहीं, ये तो शुरू से हमको भरोसा था कि हम जिस दिन यानी रजिस्ट्री खर्च पैसे जमा कर लेंगे उस दिन ये वापस कर देंगे। कितनी कीमत है जमीन की? लगभग 25 लाख। इन दोनों परिवारों को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि लाखों की जमीन को लेकर दोनों परिवारों के बीच कभी भी बात नहीं हुआ और जगदीश की ईमानदारी ने पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। जमीन जायदाद के मामले में आए दिन तरह तरह के अपराध होते हैं, लेकिन बैतूल के जगदीश जैसे ईमानदार लोग भी समाज में हैं, जो किसी दूसरे की संपत्ति हत्या कर अपने पास रखना अपराध समझते हैं। मैं अशोक महाराज। ये बताइए कि जिस तरह से दोनों परिवारों के बीच में आपसी सहमति से ये सौदा हुआ, क्या आपको लगता है किस तरह का ये एग्जांपल है? ये दोनों परिवार का मैं कुल पुरोहित हूँ और इन्होंने भी मेरे से चर्चा की कि महाराज जी ये जमीन जहाँ के तहाँ हमको वापस करना है। फिर मैंने भारतीय परिवार ने मेरे से चर्चा की, मैंने फिर गजपुर सेवक पटेल को खबर दी कि भाई वो लोग बोल रहे हैं कि ये रजिस्ट्री जहाँ के वहाँ आप करा लीजिए दान पत्र में। तो उन्होंने स्वेच्छा दोनों पार्टी ने एक आज समाज में एक मिसाल बनाई है कि भाई नहीं तो परिवार परिवार भाई भाई के भाई नहीं होते। और आज इस परिवार ने बहुत बड़ी ये रखी कि देखो आज 2500 साल से सुरक्षित रखी और जहाँ के तहाँ उन्हें वापस किया।